अशोकनगर जिला मुख्यालय सहित पूरे जिले में गायों को लेकर हमेशा से बात की जाती है कि उनकी दुर्दशाएं हैं और उनके लिए पुनर्वास हेतु गौशाला बनाने की बात। बीते दिनों अशोकनगर में विमानों के चबूतरे के पास गौ कथा का आयोजन प्रसिद्ध गौ संत गणेशानंद महाराज के द्वारा किया गया था। इस कथा के समापन अवसर पर अशोकनगर जिले के तमाम सारे जनप्रतिनिधि, राजनेता और अधिकारी पहुंचे थे। समापन के अवसर पर गणेशानंद के समक्ष लोगों ने अपनी अपनी संकल्प दोहराए और गौ कथा को लेकर अशोकनगर में आयोजन जो किए गए हैं उसके लिए सभी ने महाराज और आयोजकों को बधाई भी दी। इस अवसर पर सबसे बड़ी बात यह रही कि अशोकनगर जिले में कई सारे संगठन गौ सेवा को लेकर काम कर रहे हैं और लगातार ये लोगों की तरफ से इच्छाएं रही हैं, मांग भी रही हैं कि गौशालाओं का निर्माण किया जाए या गायों के लिए कोई ऐसे स्थान निर्धारित। आज इस पवित्र भूमि पर गुरुजी माननीय गणेशानंद जी उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं उनके चरणों में सत सत नमन करता हूँ। आज के बहुत ही पवित्र गौ कथा वाचन के इस समारोह के समापन अवसर पर उपस्थित सामान्य विधायक जी, यहाँ पर उपस्थित समस्त गौ प्रेमी बंधुओं, माताओं बहनों, सम्माननीय गुरुजी ने हमें बहुत ही अच्छा रास्ता बताया है। उनका एकमात्र उद्देश्य यह है कि हम हमारी आत्मा को पवित्र रखें और अपने स्वयं को, अपने परिवार को और समाज को किस तरह से अच्छे रास्ते पर चलाएं, ऐसा हम प्रयास करें और इसके लिए आपने हमें यहाँ पर मार्गदर्शन दिया है। इस अच्छे रास्ते पर चलने गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए मैं आज हम सब लोगों के लिए अशोकनगर की जनता जनार्दन और अशोकनगर जिले के सभी दुर्गा स्वरूप मेरी माता बहन, अशोकनगर की भगवान स्वरूप जनता जनार्दन, हमारे जिले के जिलाधीश आदरणीय कलेक्टर साहब, सम्माननीय मंच, आज हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि गुरुजी ने हम सबको, हमारे जो समझता हूं जो है ना ज्ञान के जो पर्दा जो है ना बंद थे कानों के, सभी भाई मेरी बहनें पत्रकार बंधु, गौ सेवा में लगे पूरे मेरे पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी बंधु और भी गुरु जी के साथ गौ माता की सेवा में लगे हैं, उन सभी को प्रणाम करती हूँ। और आज गुरु जी के वचनों से मैं इतनी प्रभावित हुई कि मैंने आज ये निर्णय लिया है कि अशोकनगर में गौ रोटी रथ के नाम से मैं कुछ रथ चलवाऊंगी। मैं देखती हूँ कुछ बहनें रोटी बनाती हैं लेकिन वो इकट्ठी करके रख देती हैं, गौ माता को डाल नहीं पाती हैं और कहीं गाय मिलती नहीं है उनको, उनकी सुविधा के लिए मैं हर वार्ड में एक दिन छोड़ के गौ रथ बनाने का और चलाने का आप सब लोगों के सामने, गुरु जी के सामने संकल्प लेती हूँ। दूसरा, अभी हमारे कलेक्टर साहब ने कहा, अशोकनगर कलेक्टर